जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव में हर चीज़ पर नज़र रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही आने वाले कल को तय करता है। ऐसी ही नज़र हमारी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पड़ी। राजनांदगांव लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की हॉट सीट हो चुकी है। हॉट सीट उस वक्त हो गई जब यहां पर कांग्रेस ने बतौर प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतार दिया मैदान में चुनाव लड़ने के लिए। भूपेश बघेल इसके ठीक पहले खड़े हुए थे विधानसभा के चुनाव में, जहां पर उन्होंने पाटन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत दर्ज की थी, पर सरकार नहीं बन पाई। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रिपीट नहीं हो पाई और अब वो फिर से लोकसभा सीट के लिए बतौर प्रत्याशी राजनांदगांव से खड़े हुए हैं। तो उनके सामने बीजेपी ने वर्तमान सांसद संतोष पांडे को उतारा है। जैसे ही यहां से अनाउंस हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस सीट से उतर रहे हैं, मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा दिलचस्प हो गया। लेकिन इस दिलचस्पी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट है एफिडेविट का, जो निर्वाचन आयोग में जमा कराया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। इस एलिगेशंस के बीच उनका एफिडेविट जो है वो जमा होता है और 6 महीने में दूसरा एफिडेविट है, क्योंकि विधानसभा में भी एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है और लोकसभा में भी एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हलफनामा यानी एफिडेविट ये वो होता है जब कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के लिए चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बतौर प्रत्याशी खड़ा होता है, तो उसे निर्वाचन आयोग को अपने पूरे संपत्ति की, घर परिवार की सारी चीज़ें जो है वो जानकारी देनी होती है। उनके पास कितनी संपत्ति है, उनकी बीवी के पास, उनके बच्चों के पास, उनके माँ बाप के पास, अकेले उनके पास और संयुक्त रूप से टोटल कितनी संपत्ति है। तो ऐसा ही एक हलफनामा पूर्व मुख्यमंत्री यानी छत्तीसगढ़ के कका भूपेश बघेल ने भी जमा किया। वैसे तो छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें कका कहकर संबोधित करते हैं प्रेम से, और दूसरा उनको जो संबोधन है वो दाऊजी है। तो दाऊजी से जो छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि दाऊजी यहाँ पे उन्हें कहा जाता है जो बड़े किसान हो, जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन हो किसानी के लिए। तो बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के बड़े किसानों में से एक हैं। हालांकि आजकल प्रदेश में 100 एकड़ से ज़्यादा वाले किसानों की संख्या बहुत कम है, लेकिन भूपेश बघेल उनसे और बड़े हैं। तो चलिए उनके प्रॉपर्टीज़ पर और उनके पास जो अमाउंट है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास 34,39,23,378 रुपये के एसेट्स हैं। साथ ही 26,81,358 रुपये की लाइबिलिटीज़ हैं, ये उनका हलफनामा कहता है। 3 मामले हैं मुख्य रूप से। ये तीनों मामलों में अगर हम नज़र डालें तो 2 मामले नई दिल्ली में दर्ज किए गए हैं और एक जो बड़ा मामला है वो फ़िलहाल छत्तीसगढ़ के EOW विभाग के पास है। मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उनके पास 2 ट्रैक्टर हैं और एक महिंद्रा की 4-पहिया गाड़ी है। भूपेश बघेल की अगर कमाई के मेजर साधनों की बात कर लें कि उनके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं, तो सबसे पहला हमने जैसा कि बताया कि लोग उन्हें दाऊजी भी कहते हैं। सबसे पहला जो पेशा है वो है कृषि। कृषि से उन्हें जो पैसे अर्जित होते हैं वो उनकी कमाई है। दूसरा, चूंकि लंबे समय से वो राजनीति में है, कई बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, फिर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी सैलरी और अलग अलग अनाउंसेस जो मिलते हैं यानी भत्ते, वो भी उनकी कमाई के साधन हैं। ये पैसे जब तक बैंक में है तो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो उनकी कमाई है। साथ ही उनके पास एक शुगर फैक्ट्री में भी उनके पार्टनरशिप की खबर है, तो ये भी एक उनके आवक का साधन है। भूपेश बघेल के एफिडेविट की अगर हम बात करें तो उनके पास माँ दंतेश्वरी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, दूसरा उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट जो किया है वो PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है उस पर किया है। साथ ही उनके पास अगर अचल संपत्तियों की बात करें तो जैसा कि हमने जिक्र किया, उनके पास 3 ट्रैक्टर हैं और एक महिंद्रा की 4-पहिया गाड़ी है, जिसका टोटल अमाउंट 69,24,317 रुपये है। बघेल के पास कुछ ज्वेलरी भी है। उनके एफिडेविट के हिसाब से 31,50,000 की ज्वेलरी उनके पास है, जिसमें लगभग 1.5 लाख की चांदी और कुछ सोने के आभूषण हैं।